हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी फिल्म को जो कि 19वीं सदी में हुई एक असली पैरानॉर्मल घटना पर आधारित है, जिस पर एक नोवेल भी लिखी जा चुकी है। इस फिल्म का नाम है एन अमेरिकन हॉन्टिंग, जो कि 2006 में रिलीज की गई थी, जिसको डायरेक्ट किया है कोर्टनी सोलोमन ने। यह फिल्म द बेल विच एन अमेरिकन हॉन्टिंग नामक नोवेल से आधारित है, जिसको लिखा है ब्रेंट मॉनहैन ने। और इस नोवेल और फिल्म की इंस्पिरेशन है बेल विच नामक रियल इंसिडेंट, जिसके बारे में हम अंत में डिस्कशन जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा बढ़िया कॉन्टेंट मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आती रहेंगी। और कई सारे सब्सक्राइबर्स ने शिकायत की है कि वो मेरे चैनल से खुद पे खुद अनसब्सक्राइब हो जा रहे हैं, तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना कि आप कहीं खुद पे खुद अनसब्सक्राइब तो नहीं हो रहे, क्योंकि ये ग्लिच आजकल चल रहा है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है जेन नामक लड़की को दिखाते हुए, जो कि जंगल में किसी से डर के भाग रही होती है। और जब वो घर पहुंचती है तो फिर से उसको कोई डराता है। रूम का गेट हिलने लगता है और जब जेन रिलैक्स हो रही थी तो तभी एक छोटी लड़की की स्पिरिट, जिसने सफेद कपड़े पहने हैं, वो उसको दिखती है, जिससे वो डर के उठ जाती है और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है। जी हाँ, ये एक ड्रीम था। और जब जेन की माँ एलिजाबेथ उसको संभालने आती है तो वो उसको बताती है कि जेन एक बुरा सपना देख रही थी, नथिंग एल्स। एलिजाबेथ उसको ये भी याद दिलाती है कि इस हफ्ते उसको अपने पिता से भी मिलने जाना है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। एलिजाबेथ को एक पुरानी सी डॉल मिलती है और वो उससे ये पूछती है कि ये उसको कहां से मिली। तो जेन उसको बताती है कि उसको ये डॉल एटिक में मिली थी, जिस पर एलिजाबेथ गुस्सा करती है और उसको एटिक में दोबारा जाने से मना करती है। एलिजाबेथ अब अपने डेस्क पर वापस जाती है। दुख में वो एक वॉर्ड का शॉट लगाती है और कुछ पुराने लेटर्स को उठाती है, जहाँ पर उसके एंसेस्टर्स की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ था कि अगर घर के अंदर कुछ हॉन्टिंग्स फिर से हो रही हैं, तो इस लेटर को रीड करके सच जाना जा सकता है और इस चीज को रोका भी जा सकता है। यह लेटर ल्यूसी बेल की तरफ से लिखा गया था, एंड देन एलिजाबेथ इस लेटर को पढ़ने लगती है। और मूवी 19th century यानी कि साल 1817 टाउन ऑफ एडम्स टेनेसे में चली जाती है, जहाँ पर हम एक यंग लड़की बेट्सी बेल और एक यंग लड़के जोशुआ को देखते हैं, जो कि बेट्सी को किस करने की कोशिश करता है, बट उसकी फ्रेंड थैनी उसको वहाँ से ले जाती है। इस लेटर को लिखने वाली थी ल्यूसी बेल, जो कि कोई और नहीं बल्कि बेट्सी बेल की माँ थी। बेट्सी के पिता का नाम था जॉन बेल। अब होता यह है कि जॉन को चर्च कोर्ट में एक केस के सिलसिले में बुलाया जाता है, क्योंकि जॉन ने एक केट बेट्स नामक औरत से लोन के बदले में 20% इंटरेस्ट लिया था, जो कि चर्च के रूल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा था, जिसके चलते जॉन को गिल्टी करार दिया जाता है और केट बेट्स की जमीन उसको वापस मिल जाती है और इंटरेस्ट भी खत्म कर दिया जाता है। बट केट बेट्स इस डिसीजन से खुश नहीं थी, क्योंकि उसको पैसे भी चाहिए थे। चर्च ने जॉन को ज्यादा कुछ सजा इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उसका उस समय में बहुत ज्यादा नाम था, और इस केस को हारने के बाद उसका नाम खराब हो गया था, और वही उसके लिए एक बहुत बड़ी सजा थी। खैर, केट बेट्स उसको एक श्राप देती है कि वो और उसकी बेटी बेट्सी नर्क की आग में जलेंगे और जल्दी ही उनको अपना किया हुआ भुगतना होगा। अब उस वक्त में ऐसा माना जाता था कि केट बेट्स एक विच है, जो कि विच क्राफ्ट करती है, जिससे वो सब थोड़ा सा डर गए थे। अब जल्दी ही घर में होता ये है कि सभी को कुछ ना कुछ घर के अंदर दिखाई देने लगता है, पर्टिकुलरली एक वुल्फ। सबसे पहले जॉन बेल को, उसके बाद में बेट्सी के भाई जॉन जूनियर को, जबकि असल में वहां पर कोई भी वुल्फ नहीं था, क्योंकि जब भी वो बुलेट्स को फायर किया करते थे तो वो मिस हो जाया करती थी। जॉन को एक रात कोई उनके घर के ऊपर चलता हुआ दिखता है, बट देन सडनली वो गायब हो जाता है। और फिर जॉन जूनियर को एक वुल्फ दिखता है, जिस पर वो फायर करता है, जिसके चलते वो बुलेट सीधा घर के अंदर आकर लगती है, जिससे ल्यूसी के और दो छोटे बच्चे डर जाते हैं। अब कुछ समय के बाद में बेट्सी को ये स्पिरिट काफी ज्यादा तंग करने लगती है और उसको टच करने लगती है जब वो बेड में होती है, जिसको देखकर जॉन कन्विंस्ड हो जाता है कि हाँ, केट बेट्स ने उनको कर्स दे दिया है, लेकिन ल्यूसी इन बातों पर यकीन नहीं करती। बेट्सी को टच करने वाले हादसे के बाद में बेल फैमिली के अंदर ये सब चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, और घर के एटिक से अजीब अजीब आवाजें भी ल्यूसी को सुनाई देती हैं। और जब वो उठती
होती है तो वो ये देखती है कि वहां पर ऑलरेडी जॉन खड़ा हुआ था, जो कि ल्यूसी को ये कहता है कि ये आवाजें कई दिन से आ रही हैं और उसको इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि वो घोड़े बेचकर सोती है, जिस पर ल्यूसी उसको चुप कर देती है और आयरोनिकली घर में आवाजें भी आनी बंद हो जाती है। खैर, अब हम एक चीज नोटिस करते हैं कि बेट्सी अपने स्कूल में क्लासरूम के अंदर ही सो जाया करती थी, जहां पर स्कूल टीचर रिचर्ड पॉल भी उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करता है और हमको अंदाजा हो जाता है कि वो बेट्सी को पसंद करता है। बेट्सी उसको ये बताती है कि उसके घर में अजीब अजीब सी आवाजें रात को आती हैं, जिससे वो सो नहीं पाती। अब बेट्सी उठकर नीचे जाती है, जहां पर वो एक झूले पर बैठकर झूलने लगती है, पर तभी हम वहां पर देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है, जो कि उसके साथ झूल रही होती है, और उसको छूते ही वो नीचे गिर जाती है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और जब उसके फ्रेंड्स यानी कि जोशुआ और थैनी उसके पास आते हैं तो वो ये कहती है कि वो छोटी लड़की कहां गई, तो वो सब ये कहते हैं कि वो अकेली वहां पर झूल रही थी और वहां पर कोई भी नहीं था। इन सब चीजों को रिचर्ड दूर से ही नोटिस कर रहा था कि समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद बेट्सी। बेट्सी इन चीजों से काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। अब जॉन का एक दोस्त था जिसका नाम होता है जेम्स, जो कि घर के अंदर बाइबल को रीड करता है, बट बेट्सी बाइबल के वर्सेस और कोट्स को रीड नहीं करती। घर में उस समय काफी ज्यादा शांति रहती है और सब ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ठीक 12 बजते ही हम ये देखते हैं कि एक इविल स्पिरिट सभी के सामने बेट्सी पर असॉल्ट करती है, लाइक उसको इधर से उधर ड्रैग करना और उसको हवा में लिफ्ट करके बहुत सारे थप्पड़ मारना, जिसके चलते सभी बुरी तरह से डर जाते हैं। अब पूरी फैमिली को यकीन हो चला था कि हाँ, उनके घर को कर्स कर दिया गया है, पर्टिकुलरली बेट्सी को। ये सारी बातें जेम्स और जॉन जाकर रिचर्ड पावल को भी बताते हैं, लेकिन वो किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और यही कहता रहता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन जरूर होंगे, लाइक उस रात घर में बहुत अंधेरा था और हो सकता है कि किसी ने उसको हवा में लेविटेट करा होगा। बट जॉन पास्ट में ये सब हुई चीजों के बारे में बताता है कि ये सब चीजें पहले हो चुकी हैं और ये सारी चीजें जो हो रही थी वो एग्जैक्ट सेम है। बेसिकली यहाँ पर ये बेल विच का खुद का रेफरेंस दिया जा रहा था। अब इन सब चीजों को सुनकर रिचर्ड ये कहता है कि वो एक वीक बाद आकर उस घर में एक रात गुजारेगा और इस चीज का पर्दाफाश कर देगा कि ये सब कोई इंसान कर रहा था, ना कि कोई घोस्ट या डीमन। अब एक हफ्ते बाद जब स्कूल्स खत्म हो जाते हैं तो रिचर्ड बेट्सी के रूम के आगे ही बैठ जाता है कि कुछ हॉन्टिंग्स शुरू होंगी, और फिर अचानक से ही सेम चीज होती है कि रूम खुद पे खुद खुलता है और बेट्सी को कोई सेक्सुअली मोलेस्ट करने लगता है। बट स्टिल रिचर्ड इन सभी को एक नाइटमेयर बताता है। बट जब वो सब नीचे आते हैं तो घर की सारी लाइट्स बुझ जाती हैं और बाइबल पढ़ रहे जेम्स की बुक को स्पिरिट दूर फेंक कर उसके पेजेस को इधर उधर फेंकने लगती है। ये स्पिरिट एक एक करके सभी को देखती है और इनडायरेक्टली उनसे बात करती है, लाइक रिचर्ड जब बाइबल के कुछ वर्सेस के बारे में बोलता है तो वो स्पिरिट तुरंत ही रेस्पॉन्ड करती है। और जब वो ये कहता है कि क्या बेल्स ने उसको परेशान किया है, तो अचानक से ही घर का शीशा फूट जाता है, जिससे रिचर्ड को बिलीव हो जाता है कि हाँ, ये घर हॉन्टेड है। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि मूवी फिर से 2006 में आ गई है, जहां पर एलिजाबेथ ल्यूसी का ये लेटर पढ़ तो रही थी लेकिन उसको इन चीजों पर यकीन नहीं हो रहा था। खैर, शी कंटिन्यूज हर रीडिंग और अब मूवी फिर से पास्ट में जाती है, यानी कि 1818 में, और इन हॉन्टिंग्स का सिलसिला चलता रहता है। बेल फैमिली में चीजें बद से बदतर होती जा रही थी, लाइक बेट्सी और जॉन की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। एक दिन केट बैट्स के लिए काम करने वाला व्यक्ति बेल्स के घर पर एक झोला लेकर आता है, जो कि उसकी प्रॉपर्टी में दफन किया गया था, जिसको खोलकर देखने पर उसने बेट्सी और जॉन के कपड़े थे जिन पर खून लगा हुआ था। अब घर पर काम करने वाली क्लोई ये देखकर डर जाती है और ल्यूसी को ये बताती है कि अगर किसी चुड़ैल के पास में आपके खून लगे कपड़े होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये कर्ज तभी खत्म होगा जब वो इंसान मर जाएगा और इस चीज का कोई भी तोड़ नहीं है। ल्यूसी अब गुस्से में इन कपड़ों को जलाने जाती है तो क्लोई उसको रोक देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। बट जब ल्यूसी जॉन को इन कपड़ों को दिखाती है तो वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो इन कपड़ों को तुरंत जला देता है। अब ल्यूसी ये सोचती है कि शायद से अगर बेट्सी किसी के साथ में सोए तो वो सेफ रहेगी, तो वहां पर वो बेट्सी की फ्रेंड थैनी को बुलाती है, लेकिन रात में उन दोनों पर ही अटैक होने लगता है। थैनी और बेट्सी को नीचे लाया जाता है, जहां पर वो दोनों ही बुरी तरह से डरी हुई थी, और जब थैनी इस हादसे के बारे में सबको बयां कर रही होती है तो तभी वहां पर ये स्पिरिट आ जाती है और एक लड़की की आवाज में सबसे बात करती है कि शी वॉज वंस हैप्पी बट नॉट नाउ। उसके बाद ये स्पिरिट सभी पर अटैक करती है और बेट्सी को खींचकर ऊपर वाले रूम में ले जाती है, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल सीन था। ल्यूसी को पता चल जाता है कि रिचर्ड बेट्सी से प्यार करता है, क्योंकि कोई भी टीचर अपनी स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं
नहीं करेगा। ल्यूसी रिचर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि वो बेट्सी से शादी कर ले, लेकिन रिचर्ड इस चीज के लिए मना कर देता है कि वो बस एक प्रोटेक्टर की तरह उसके साथ नहीं रह सकता और बेट्सी को भी उससे प्यार करना होगा, जिसके चलते ल्यूसी कुछ नहीं कहती। अब अपने एंड पर जॉन सब कुछ ट्राई करता है, लाइक वो केट बेट्स के घर जाता है और उसको एक गन देकर कहता है कि वो उसको जान से मार दे और अपना कर्ज खत्म कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। यहाँ पर एक शॉकिंग बात रिवील होती है कि केट बेट्स ने उसके परिवार पर कोई भी कर्ज नहीं दिया था, बल्कि जॉन के साथ जो हो रहा था उसका जिम्मेदार वो खुद है। एज इफ कि केट बेट्स कुछ न कुछ जानती थी जो कि उसको अपने विचक्राफ्ट से पता चला था। हालांकि हमने कभी भी उसको विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा है, बट उसको कुछ राज पता था, तो ये मेरा एक अजम्पशन है कि वो विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व थी। खैर, जॉन अब गन से खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन हर बार मिस फायर होती रहती है। लाइक उस गन के अंदर बुलेट तो थी, लेकिन जब गन चलती तो बुलेट उससे बाहर नहीं आती। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि ये स्पिरिट उसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। दूसरी तरफ रिचर्ड पूरा जोर लगाता है कि बेल्स के घर में जो हॉन्टिंग्स हो रही थी वो उसके पीछे का कारण जरूर ढूंढेगा। तो वो ये सोचता है कि ये हॉन्टिंग्स जो है वो बस बेट्सी के रूम में होती है, और अगर वो उसको कहीं और ले जाए तो शायद ऐसा ना हो। अब वो और बेट्सी का भाई जॉन जूनियर एक घोड़े गाड़ी में बेट्सी को लेकर वहां से बाहर निकलने लगते हैं, बट तभी हम ये देखते हैं कि ये स्पिरिट बेट्सी को उसके घर में हर तरफ ढूंढ रही होती है। एंड देन अचानक से ये स्पिरिट सीधा वहीं पर पहुंच जाती है जहां पर बेट्सी थी और एक पेड़ को गिरा देती है, जिससे घोड़ा गाड़ी पलट जाती है। लेकिन स्टिल रिचर्ड बेट्सी को घोड़े पर बैठा कर दूर ले जाने की कोशिश करता है, बट तभी वहां पर वो स्पिरिट एक ब्लैक वुल्फ के रूप में आकर पहले तो जॉन जूनियर पर अटैक करती है, लेकिन वो उसको मार नहीं है। और दूसरी तरफ रिचर्ड का भी एक वुल्फ पीछा करता है और घोड़े को काट लेता है, जिससे बेट्सी समेत रिचर्ड भी गिर जाता है। और अब बेट्सी खुद को अपने रूम में पाती है, जिससे उसको ऐसा लगता है कि शी वॉज हैविंग अ नाइटमेयर अगेन, बट ये सब रियल था। अब सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और जॉन बेट्सी को तड़पता हुआ देखते हैं। दो हमको बेट्सी की बॉडी पर कोई भी खरोंच के निशान नहीं दिखते, जिस तरह से ये स्पिरिट उसको तड़पा रही थी, तो कुछ ना कुछ तो वहां पर निशान होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं था। अब ये स्पिरिट सभी को बेट्सी की मदद करने से भी रोका करती थी, स्पेशली जॉन को। जॉन बेट्सी को छू तक नहीं पा रहा था। सब लोग हार मान लेते हैं और बस जॉन को बीमार होता हुआ देखते रहते हैं। जॉन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से रोज खून भी आने लगता है। जॉन अब चर्च में जाकर गॉड के सामने भी हाथ फैलाता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी गॉड को दे दी है और उसने गलत काम से ज्यादा अच्छे काम किए हैं, तो वो उनसे भीख मांगता है कि वो उसको और उसके परिवार को बचा ले। बट तभी उसके मुंह से और ज्यादा खून आने लगता है, मीनिंग कि गॉड ने भी उसको अबैंडन कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि केट बेट्स ने भी उसको कर्ज नहीं दिया था, तो जॉन ने ऐसा क्या काम किया था कि गॉड ने भी उसको अबैंडन कर दिया। अब हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी अकेले बैठी हुई थी और ये स्पिरिट उसके पास आकर बैठ जाती है, और ये स्पिरिट ल्यूसी को ये कहती है कि वो सच्चाई जानती है, बट वो उस चीज को सप्रेस कर रही है। देन स्पिरिट ल्यूसी के माइंड में एंटर करती है और उसको शो करती है कि क्यों वो सबको हॉन्ट कर रही थी। और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। हम देखते हैं कि बेट्सी के रूम के अंदर उस पर कोई हमला कर रहा था, लेकिन ये कोई स्पिरिट नहीं थी, बल्कि ये उसका पिता है जॉन बेल, जो कि अपनी ही बेटी के साथ में जोर जबरदस्ती कर रहा था। तो यहाँ पर जॉन ने ही अपनी बेटी का रेप किया और खून लगे हुए कपड़े ले जाकर केट बेट्स की लैंड पर दबा दिए, और यही कारण था कि वो केट बेट्स की प्रॉपर्टी वापस देना नहीं चाहता था। यानी कि केट बेट्स के सर्वेंट ने जो कपड़े भिजवाए थे वो यही कपड़े थे, और ये बात क्लियर हो जाती है कि केट बेट्स ने उन पर कोई भी कर्ज नहीं दिया था। बट फिर ये स्पिरिट थी किसकी, जो कि सबको परेशान कर रही थी? तो ये स्पिरिट कुछ और नहीं बल्कि बेट्सी की मरी हुई इनोसेंस थी, जिसने एक स्पिरिट का रूप ले लिया था और वही उसको हर जगह दिखा करती थी। ल्यूसी ने ये सब होते हुए देखा था, लेकिन उसने ये सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और उसने इस इंसिडेंट को सप्रेस कर दिया था। और बेट्सी ने भी अपने दर्द को छुपा लिया था, ये सोचकर कि उसके पिता ऐसा कर ही नहीं सकते और ये सब एक सपना था। इस स्पिरिट ने ल्यूसी और बेट्सी दोनों को याद दिलाया कि ये क्यों उनको हॉन्ट कर रही है, तो बस अब क्या था। बेट्सी ने अपने बेड पे पड़े हुए पिता को मेडिसिन में जहर मिलाकर दे दिया था, जिसको ल्यूसी ने भी देखा और अपनी बेटी का साथ दिया। इवेंचुअली जॉन की मौत हो जाती है, और नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि बेट्सी अपने पिता की कब्र के पास खड़ी हुई है और उसको अपने इनोसेंस से बनी स्पिरिट नजर आती है, जो कि अब खुश थी कि उसको इंसाफ मिला, और वो बस वहां से गायब हो जाती है, जिसके चलते उसके बाद कभी भी
फिर से बेल परिवार में हॉन्टिंग्स नहीं होती। और दोस्तों यही रीजन था कि ये स्पिरिट बेट्सी को मार तो रही थी, लेकिन बस ये याद दिलाने के लिए कि उसके साथ में हुआ क्या था। बेट्सी के शरीर पर एक भी खनोच नहीं थी, क्योंकि ये बेट्सी का खुद का ही एक पार्ट था जो कि एक स्पिरिट के रूप में था। इनफैक्ट बेट्सी के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट ये स्पिरिट कर रही थी, वो सभी को ये दिखा रही थी कि जॉन ने उसके साथ में क्या किया था। अब ये स्पिरिट अलग अलग रूप ले रही थी, लाइक वुल्फ और छोटी बच्ची, देन किसी ब्लैक कोट में चल रहे आदमी का। तो ये स्पिरिट जॉन बेल की पर्सनैलिटी को दर्शा रही थी, और उसी कारण से इस स्पिरिट का नाम शेप शिफ्टिंग विच भी रखा गया था। जॉन ने खून लगे हुए कपड़े भी इसलिए जला दिए थे ताकि उसका ये राज किसी के सामने ना आ पाए। और ल्यूसी ने रिचर्ड को बेट्सी से शादी करने के लिए इसलिए ही कहा था क्योंकि वो जानती थी कि उसका रेप हुआ है और अब उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। एटलीस्ट उस समय के लोगों की सोच यही थी जो कि मूवी में दिखाई गई है। और फिल्म की शुरुआत में जो घोस्ट जेन को दिखा था, वो भी बेट्सी बेल का ही था, यानी कि उसकी इनोसेंस का। नाउ मूवी कम्स बैक टू 2006, और इस लेटर में ये पता चलता है कि बेट्सी ने रिचर्ड से शादी कर ली थी और एलिजाबेथ उसकी डायरेक्ट डिसेंडेंट थी। तभी जेन एलिजाबेथ को ये बताती है कि उसके पिता बाहर उसको लेने आए हुए हैं। अब जैसे ही जेन और उसके पिता कार से दूर जा रहे होते हैं, तभी बेट्सी के इनोसेंस का घोस्ट उसके सामने आकर एलिजाबेथ को ये बताता है कि जेन को बचाओ, वो खतरे में है। और तभी एलिजाबेथ जेन के चेहरे पर नर्वसनेस देखती है और वो समझ जाती है कि उसका एक्स हस्बैंड उसकी बेटी के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा था। वो कार को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है और बूम, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब एंड क्रेडिट सीन्स में हम ये देखते हैं कि पोल्टरगाइस्ट का मीनिंग, जो कि डिस्क्राइब करता है बेट्सी के साथ में क्या हुआ था। और एक डिस्क्लेमर आता है कि इस मूवी में जो कुछ हुआ वो बस एक इंटरप्रिटेशन है कि बेलविच हॉन्टिंग्स के दौरान क्या हुआ होगा, और ये आज तक भी एक बहुत बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। तो दोस्तों ये थी एन अमेरिकन हॉन्टिंग मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी एक बहुत ही फेमस केस के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि है बेलविच। इस चीज से इंस्पायर्ड होकर काफी सारी फिल्म्स बनाई गई हैं, लाइक बेलविच, एन अमेरिकन हॉन्टिंग, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट इत्यादि। बट बात करें रियल इंसिडेंट की, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि असल में क्या हुआ था। तो काफी सर्च करने के बाद में जैसा इस मूवी में दिखाया गया है सब कुछ वैसा ही था, बस जॉन ने बेट्सी पर सेक्सुअल असॉल्ट किया, ऐसा कुछ भी रियल केस में नहीं बताया गया है। और मोस्टली लोग जो उस समय में थे, उन सब ने ये बताया था कि उनकी पड़ोसन केट बेट्स ने ही ये सब किया था और ये उसकी ईविल स्पिरिट थी। अब घर के अंदर सभी को किसी लेडी की वॉइस सुनाई दिया करती थी, और बेट्सी पर थप्पड़ बरसना, हेयर को पुल करना और शरीर में पिंच करना महसूस हुआ करता था। इनफैक्ट बेल फैमिली में से किसी ने एक किताब लिखी थी जिसके अंदर एक बहुत ही फेमस किस्सा बताया गया था कि ये केस इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि एक जनरल एंड्रयू जैक्सन भी वहां पर अपने सोल्जर्स के साथ में वहां पर आए इस मिस्ट्री को डीबग करने के लिए। लेकिन उनके साथ भी सेम चीज हुई कि उन सभी को थप्पड़ पड़े, लेडी की वॉइस सुनाई दी और शरीर में पिंचिंग महसूस हुई, जिसके चलते वो वहां से चले गए। अब यहाँ पर आयरनी ये है कि एंड्रयू जैक्सन यूएस के 7th प्रेसिडेंट बने थे और उनको ऐसी किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जो कि इस चीज को गलत साबित करती है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें मिक्सअप करी गई थी। बट इस केस में जो असल रीजन बताया जाता है वो था रिचर्ड पावल। तो आपको याद होगा कि इस मूवी के स्टार्टिंग में हमको जोशुआ और बेट्सी आपस में रोमांटिक होते हुए दिखाई गए थे, क्योंकि उन दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली थी। बेट्सी गजब की सुंदर थी और रिचर्ड भी उससे काफी प्यार किया करता था। अब माना जाता है कि रिचर्ड ने ही ये सब किया था और केट बेट्स का बहाना लेकर घर में खुद ये सब कराया ताकि जोशुआ वहां से डर के भाग जाए, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ क्योंकि जोशुआ एंगेजमेंट तोड़कर चला गया था। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि रिचर्ड की पहली बीवी भी तभी मारी गई थी जब बेट्सी की एंगेजमेंट टूट गई। बट अंत में वही हुआ जो रिचर्ड चाहता था, बेट्सी ने उसी से शादी की। और ऐसा भी माना जाता है कि रिचर्ड किसी कल्ट का हिस्सा था, तो उसने किसी चुड़ैल से ये सब करवाया ताकि वो बेट्सी से शादी कर ले। मूवी के अंदर भी हमको यही समझ आता है कि रिचर्ड की नजर बेट्सी पर स्टार्टिंग से ही थी। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये बेलविच वाली कहानी एक होक्स है, क्योंकि उस वक्त कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति लाइक रिचर्ड आसानी से अपने से कम अकल वालों को बेवकूफ बना सकता था। जॉन बेल के मरने के बाद में उसके रूम में एक पोशन या फिर एक टॉनिक भी मिला था, जिसको एक बिल्ली को पिलाकर देखा गया, तो पता चला कि वो जहर है,
जिसके बाद में ये विच सबके सामने ये बोलती है कि कल रात मैंने ही जॉन को मजबूर किया था ये जहर पीने के लिए। तो मुझे लगता है कि रिचर्ड इनकी फैमिली को अच्छे से जानता था और बेट्सी के प्यार के लिए उसने ये सब किया, अदरवाइज इस चीज की कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे समझ नहीं आती। और काफी ढूंढने पर मुझे भी यही समझ आया है कि हिस्ट्री को काफी ज्यादा ऑल्टर किया गया है और नए नए पहलू इस केस में डाल दिए गए थे। अब इस चीज से मुझे एक किस्सा याद आता है कि मेरे दादाजी मुझे हमेशा अपने गांव की एक बात बताया करते थे कि अगर आप किसी को एक बात बताओ तो वो आगे चल के किसी और को दो बात जोड़ के बताता है और फिर वो व्यक्ति तीसरे को और ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलता है। इट्स जस्ट लाइक दैट। अब मैं मूवी की बात करूं तो मूवी ठीक थी, लेकिन और भी कुछ काफी अच्छा किया जा सकता था। लाइक उनके पास इतनी स्ट्रांग स्टोरी थी, लेकिन मुझे एंड में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई कि मूवी ने थोड़ा सा अलग ही रुख ले लिया था, जबकि मूवी में बहुत ही बेहतरीन चीजें की जा सकती थी। लाइक उनको बेट्सी की इनोसेंस की स्पिरिट का स्क्रीन टाइम ज्यादा रखना चाहिए था और इस स्पिरिट का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए था, जिससे मूवी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा और आप पक्का से फॉलो कर देना, नो चीटिंग। हाँ, मैं आप पर यकीन कर रहा हूँ कि आप जरूर फॉलो कर लेंगे। तो मैंने आपको ये पूरा बेल विच केस समझा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।